अश्विन मास कृष्ण पक्ष यानी पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 1:20 से हो जाएगा, जो कि 28 सितंबर 2024 शनिवार को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी वो 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी, लेकिन मध्यान्ह व्यापिनी जो श्राद्ध की एकादशी रहेगी वो 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन रहेगी। अतः आप एकादशी का श्राद्ध यदि करना चाहते हैं तो 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए तथा इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का जो व्रत है वो 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही किया जाएगा। और इस एकादशी व्रत का पारणा 29 सितंबर 2024 रविवार को सुबह 6:16 से लेकर के 8:16 तक आपको करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि विष्णु जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। प्रभु कृपा से सदैव उन्नति और प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इस बार पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि कब रहेगी, एकादशी का व्रत आपको कब करना है तथा श्राद्ध की एकादशी कब रहेगी, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना और एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक मुक्तिदायक बताए गए हैं। पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उसे इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन परिवार के जो भी मृतक सदस्य होते हैं उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि उनकी तिथि है तो इस दिन उनका श्राद्ध आप कर सकते हैं। हालांकि इस बार जो श्राद्ध की एकादशी रहेगी वो एक दिन पहले यानी 27 तारीख को रहेगी, वहीं जो पितृ पक्ष की जो व्रत की एकादशी रहेगी वो 28 तारीख को रहेगी। तो यदि आपके घर परिवार में किसी की एकादशी के दिन मृत्यु हुई है, एकादशी के दिन उनका स्वर्गवास हुआ है, तो आपको एक दिन पहले उसका श्राद्ध करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की वैसे प्रायः पूजा की जाती है, लेकिन एकादशी श्राद्ध पर भगवान शालिग्राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जो कि भगवान श्रीहरि विष्णु के ही विग्रह स्वरूप माने गए हैं। एकादशी श्राद्ध करने से, पूजा करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनको शांति प्राप्त होती है। जो लोग पितृ पक्ष में तर्पण नहीं कर पाते हैं वे यदि इस दिन श्राद्ध कर्म करेंगे, अपने पितरों को तृप्त करेंगे, तो उनके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी, उनके पूर्वज, उनके मृतक परिजन प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी श्राद्ध का विशेष महत्व है। यह दिन पूर्वजों को समर्पित माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि पूरे 16 दिनों तक यानी 16 श्राद्ध में पितर देवता यानी समस्त पितर पृथ्वी पर आते हैं और वायु रूप में अपने परिजनों के घर के निवास स्थान पर आकर के भ्रमण करते हैं तथा अपने परिजनों से अपेक्षा करते हैं कि उनके लिए श्राद्ध कर्म करेंगे या करवाएंगे, उनके लिए पिंड दान करेंगे,
या ब्राह्मण के द्वारा पिंडदान करवाएंगे तो निश्चय ही परिजनों को पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। सभी अपने अपने परिजनों की मुक्ति के लिए, मृतक सदस्यों की मुक्ति के लिए इस दिन प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए पितृ तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही उन्हें अपने निवास स्थान यानी वैकुंठ धाम में स्थान देते हैं। यहां तक कि जो लोग अपने पिछले बुरे कर्मों से पीड़ित है और मृत्यु के देवता यमराज से यमलोक में दंडित हो रहे हैं, उनके पूर्वज भी इस एकादशी श्राद्ध को करने से उस पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। जिन लोगों का देहांत स्थिति अर्थात दोनों पक्षों की कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी को उनका देहांत हुआ है, उनका श्राद्ध इसी दिन संपन्न किया जाता है। और आपके कोई भी पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमलोक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य प्रताप को यदि उनके नाम से आप दान कर देंगे तो उन्हें इस दंड से छुटकारा प्राप्त होगा और उन्हें स्वर्ग लोक की वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, प्रभु श्री चरणों की प्राप्ति होगी। इस दिन व्रत रख करके श्राद्ध कर्म करने से पितरों के देवता आर्यमा और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने और श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य के जीवन में जो जो भी कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है और जो भी आपकी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है। इस एकादशी के दिन कोई मनुष्य यदि तिल और गुड़ मिलाकर के उसका पिंड दान करता है, अपने पितरों का नाम और गोत्र लेकर के पिंड बना करके यदि दान करता है तो उसके पितरों का मोक्ष हो जाता है और उसके घर परिवार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको एक मुट्ठी काले तिल लेना है और उसमें एक मुट्ठी गुड़ लेना है, दोनों को अच्छी प्रकार से मिश्रण करके एक लड्डू बना लीजिएगा और हाथ के मध्य भाग में थोड़ा सा जल डाल करके उस गुड़ और तिल के लड्डू को रख लीजिएगा, जिसे पिंड कहा जाता है। और रखने के बाद अपने पितरों का नाम और गोत्र यदि याद है तो वो उच्चारित कर लीजिएगा और दक्षिण दिशा की तरफ उसको छोड़ दीजिएगा। पृथ्वी पर छोड़ने के बाद उसको उठा करके आप कभी भी सुबह शाम में, रात में, दिन में, अगले दिन गो माता को उस गुड़ और तिल के लड्डू को खिला दीजिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आपके घर के परिवार के जो भी पितर होंगे या मृतक परिजन होंगे उनको तृप्ति प्राप्त होगी, उनको मोक्ष मिलेगा और आपके परिवार के सारे पितृ दोष जड़ से समाप्त हो जाएंगे। इस पितृ एकादशी के दिन घी, दूध, दही और अन्न का दान ब्राह्मण देवता को करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण देवता को इस दिन फलाहार अवश्य कराएं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं करवाया जाता है। इसलिए यदि आप इस दिन श्राद्ध कर्म का संपूर्ण पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाएं और यदि कुछ और नहीं करवा पाते हैं तो दोनों हाथ आसमान की ओर उठा करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों को कहे कि हे पितृ देवता, हम आपके निमित्त जो भी श्रद्धा और भक्ति से प्रदान कर रहे हैं उसे आप स्वीकार करिए। उसके बाद गौ माता को कोई भी फलाहारी वस्तु अवश्य खिलाएं। कोई भी फल गौ माता को इस दिन खिलाना चाहिए, चाहे आप दूध की मिठाई गौ माता को खिलाएं या फल खिलाएं या फिर हरी सब्जी भी गौ माता को यदि आप खिला देंगे तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और आपके घर के परिवार के पितृ दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जीवन में जो भी अधिकतम समस्याएं आती है वो पितृ दोष के कारण ही आती है। जैसे पितृ दोष के कारण समय पर विवाह नहीं हो पाता है, शिक्षा प्राप्ति में रुकावट आती है, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, विवाह नहीं हो पा रहा है और विवाह हो जाता है तो संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, संतान प्राप्त हो गई है तो आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति रोगी रहता है,
कर्ज बहुत अधिक हो जाता है, नौकरी में उन्नति और प्रगति प्राप्त नहीं हो पाती है, व्यापार नहीं चल रहा है, मानसिक रूप से अशांति है, घर में कलह है, और भी जो अनेका अनेक समस्याएं हैं वो पितृ दोष के कारण ही निर्मित होती है। तो आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी पितृ दोष शांति पूजा अनुष्ठान संपन्न करवा सकते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल इनकी 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है, और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो किसी देवालय में, शिवालय में, मंदिर में, आश्रम में भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी अपना नाम और गोत्र बता करके एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को करना है, वहीं एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 शनिवार को रखना है, और द्वादशी के नियमों का पालन 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन करना है, और इसी दिन आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए। पंचामृत में आप शहद का उपयोग कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अकेले शहद इस दिन नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग आपको दशमी तिथि के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको करना पड़े तो प्रायश्चित स्वरूप कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। वैसे तो मानसिक रूप से यदि आप कहेंगे कि आज मैं एकादशी व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मेरा नाम गोत्र ये है, तो भी उस संकल्प को प्रभु स्वीकार करेंगे। और यदि आप चाहें तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर जो 34 लिखा हुआ है उसका भी उच्चारण करके संकल्प का फल प्राप्त कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनी भोक्षामी पुंडरीकाक्ष शरणम मैं भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। और यदि आपके यहां एकादशी व्रत का संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए और अपने सामने पूजा की थाली रख लीजिए, उसमें जौ, तिल, पीला पुष्प, कुछ दक्षिणा, शुद्ध जल, पवित्र जल रख लीजिए और कुछ पैसे वहां पर रख करके और एक सुपारी रख करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करके हाथ के मध्य भाग में जल रखे, उसमें सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीला पुष्प रखे। अक्षत का उपयोग, अक्षत यानी चावल का उपयोग इस दिन नहीं किया जाता है, इसलिए अक्षत के स्थान पर आप जौ या तिल का उपयोग कर सकते हैं। 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णु रेवच योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत।
ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्पन् मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामने नगरे संवत् 2081 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे आश्विन मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अध्यायः एकादश्यायां तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथयोः अश्लेषा दिवस नक्षत्रैः कर्क राशिस्ते श्री चंद्रैः कन्या राशिस्ते श्री सूर्यैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थानस्य ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौः। अब आप बोलिएगा कि मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का यहां पर उच्चारण आप कर लीजिएगा। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जो विवाहित माताएं बहनें होती है उनको अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए तथा कुंवारी कन्याओं को पिता पक्ष का यानी पिता का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। और इसके बाद आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मीश्चिरकाल संरक्षणार्थम दस विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम पितृ देवताः प्रसन्नार्थम सर्व पितृ मोक्ष प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे इंद्रा एकादशी पितृ एकादशी व्रत कर्माहं करिष्ये। इस प्रकार आप संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु हे दीनानाथ हे करुणा निधान, आज मैं पितृ एकादशी इंद्रा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से इस एकादशी का व्रत मैं कर सकूं और आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूं। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही आप प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प आरंभ हो जाएगा, आपका एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत जब हम प्रारंभ करते हैं तो उस दिन सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी में जल चढ़ाएं, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, गो माता का पूजन अर्चन करें, गो माता को फलाहारी वस्तु खिलाएं। इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी अन्न में आता है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करें। सभी प्रकार के जो फलाहार होते हैं, दूध से बनी जो मिठाई होती है, तिल और गुड़ से जो बनी मिठाई होती है, या ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू बादाम पिस्ता मखाना और अन्य जो भी फलाहारी वस्तु होती है, मूंगफली दाना जिसे सींग दाना भी कहा जाता है, इसके अलावा कमल गट्टे के जो बनते हैं मखाना, उनको भी आप नमकीन बना करके या मीठे बना करके फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ और मूंगफली दाना से जो चक्की बनाई जाती है उसका भी आप उपयोग फलाहार में कर सकते हैं। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है और सभी प्रकार के फल माने गए हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन आप शुद्ध और पवित्र फलाहार तैयार करें। लहसुन प्याज मांस मदिरा अंडे का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध व पवित्र तरीके से फलाहार तैयार करके सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मण देवता को फलाहार का दान करें, उसके बाद ही स्वयं फलाहार आपको ग्रहण करना चाहिए। फलाहार आप एक समय ले सकते हैं, दो समय ले सकते हैं, तीन समय भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। इस एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है,
मन को शांत रखना है, किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून न काटे, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करें। दिन में यदि संभव हो तो सोना नहीं चाहिए, यदि थोड़ा बहुत सो जाते हैं तो स्नान करने के बाद ही पूजा अर्चना करें और रात्रि में जितना संभव हो सके जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करें, स्तोत्र का पाठ करें और ब्राह्मण देवता के मुख से, गुरु के मुख से एकादशी व्रत कथा आपको सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। और चूंकि पितृ एकादशी है, इंद्रा एकादशी है, तो ब्राह्मण देवता को फलाहार करवाएं, ब्राह्मण देवता को वस्त्र का दान करें, ब्राह्मण देवता को आप पात्र का दान करें, ब्राह्मण देवता को गौ दान करें, क्योंकि पितरों के निमित्त इस एकादशी पर आप जो जो भी दान कर सकते हैं वो अवश्य करें। जो वस्तु आप दान करेंगे वो सीधे सीधे आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को प्राप्त होगा और आपके पितर तृप्त हो जाएंगे, आपके घर परिवार के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हैं तो आपको भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु जी के मुख से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से ही कथा सुनना चाहिए। इस बार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी के नाम से जाना जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 1:20 से हो जाएगा, जो कि 28 सितंबर 2024 शनिवार को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी है वो 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी, लेकिन मध्यान्ह व्यापिनी एकादशी 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन होने से एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को होगा और इंद्रा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही किया जाएगा तथा इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 29 सितंबर 2024 रविवार को सुबह 6:16 से लेकर के 8:16 तक का रहेगा। एकादशी तिथि चाहे समाप्त हो जाए फिर भी आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए यानी व्रत का पारणा नहीं करना चाहिए। व्रत का पारणा हमेशा अगले दिन का सूर्योदय होने के बाद ही करना चाहिए। आप अपने यहाँ का जो सूर्योदय होता है उस समय से लेकर के 2 घंटे के बीच में आप पारणा कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप पारणा करने में सुबह के समय असमर्थ है तो आप उसके बाद दोपहर 12 बजे के पहले पहले भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो दोपहर का समय छोड़ करके यानी दोपहर 12 से 3 का समय छोड़ करके शाम को 3 से 6 के बीच में भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जिस दिन व्रत का पारणा करते हैं उस दिन यदि आप अपने पितरों को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो हाथ में जल लेकर के कहे कि मैंने जो एकादशी का व्रत किया है, इंद्रा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत किया है, उसका संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने पितरों को प्रदान करना चाहता हूं, उनका नाम और गोत्र बोल करके जल आपको दक्षिण दिशा में छोड़ देना चाहिए। एकादशी व्रत का जब हम पारणा करते हैं तो उस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत आवश्यक होता है, तो आप यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को अपने घर बुला करके अच्छी प्रकार से शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करके उनको भोजन करवाएं। और यदि घर बुला करके भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आप ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल और घी तथा दूध, दही इत्यादि वस्तु का दान करें। और वस्तु भी आप दान नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण भोजन के लिए नगद धन राशि यदि आप ब्राह्मण देवता को प्रदान कर देंगे तो निश्चय ही आपको द्वादशी पर पारणा करने का, ब्राह्मण भोजन करवाने का संपूर्ण पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि यह पितृ एकादशी है, इंद्रा एकादशी है और इसमें तो आपको ब्राह्मण देवता को फलाहार भी करवाना है और ब्राह्मण भोजन भी करवाना है।
क्योंकि जो जो भी आप कर्म करेंगे वो सीधा सीधा आपके पितरों को प्राप्त होगा, और जब पितरों को प्राप्त होगा तो उनको तृप्ति मिलेगी, और उनको तृप्ति जब मिलेगी तो आपके घर परिवार के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि पितृ देवता आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे परिजन हमारे लिए तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, चीटियों को आटे की गोलियां डालेंगे, गौ माता को भोजन करवाएंगे, कौवे को ग्रास डालेंगे और याचक या भिखारी को भोजन का दान करेंगे। इस प्रकार पितर आपसे ये अपेक्षा करते हैं। लेकिन यदि आप पितरों को तृप्त नहीं कर पाते हैं तो पितरों को आप जो है रुष्ट कर लेंगे, नाराज कर लेंगे, और जब पितर आपके तृप्त नहीं होंगे, नाराज होंगे, तो आपको आशीर्वाद के स्थान पर श्राप देकर चले जाएंगे। इसलिए यदि आपको पितरों को तृप्त करना है तो यदि आपने 16 दिन कुछ नहीं किया है, पितृपक्ष में कुछ नहीं किया है, तो इस एकादशी के दिन आपको पुण्य अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। तो यदि आप चाहें तो आप पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी के निमित्त हमारे माध्यम से भी आप पितृ दोष शांति पूजा अनुष्ठान संपन्न करवा सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी पर कोई भी पूजा अनुष्ठान पितृ दोष शांति करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें भेजें और नगद धनराशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।